अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि हम इंटीग्रमेंट्री स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं, तो आज हम अपने चैप्टर के दूसरे हाफ की तरफ चलेंगे, जो कि है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। जहाँ तक स्पोर्ट एंड मूवमेंट का ताल्लुक है, तो उसके लिए ज़्यादातर हम जानते हैं कि हमारी बॉडी को जैसे स्पोर्ट प्रोवाइड करता है हमारा स्केलेटन, और मूवमेंट में भी यही इन्वॉल्व है अलॉन्ग विद मसल्स। मसल्स हमारे बोन्स के साथ अटैच हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ऑलमोस्ट मिलता जुलता मैकेनिज्म जो है वो बाकी वर्टिब्रेट्स में भी पाया जाता है, लेकिन जहाँ तक इन वर्टिब्रेट का ताल्लुक है, तो इन वर्टिब्रेट में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी इसके हवाले से हमें मिलती है। तो लेट्स टेक एन अकाउंट ऑन इन वर्टिब्रेट फर्स्ट, और उसके बाद जो है वो हम वर्टिब्रेट की तरफ चलेंगे जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं। तो एज़ फार एज़ दी इन वर्टिब्रेट आर कंसर्न, दे हैव प्रिंसिपली फोर टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर इन्वॉल्वड इन द मूवमेंट। फर्स्ट काइंड ऑफ सेल्स आर अमीबॉइड सेल्स। यू ऑल नो अबाउट द अमीबा मूवमेंट, लाइक इन द फॉर्म ऑफ स्यूडोपोडिया, एंड दे फॉर्म द फॉल्स फुट विच आर बेसिकली द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, और ये स्यूडोपोडिया कहलाते हैं। व्हेन दे मूव्स तो ये स्यूडोपोडिया गायब हो जाते हैं, उसके बाद फिर बनते हैं। तो ना सिर्फ अमीबा बल्कि और बहुत से ऑर्गेनिज़म्स जो हैं, ऑर्गेनिज्मिक सेल्स जो हैं, इवन हमारी बॉडी के बाद वाइट ब्लड सेल्स भी अमीबाइड मूवमेंट जो है वो शो करते हैं। देन अबाउट द सिलिएटेड मूवमेंट, तो वो ऑर्गेनिज़म, वो सेल जिनके पास सिलिया मौजूद होते हैं, लाइक पैरामीशियम के बारे में आप जानते हैं, इन विच सिलिया सराउंडेड ऑल ओवर द बॉडी, और इसी तरह से वो सेल्स जो कि सिलिएटेड होती हैं उनमें मूवमेंट जो है वो सिलिया के जरिए होती है। देन अनदर स्ट्रक्चर विच इज़ फ्लैजेला। फ्लैजेला लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर है, यू हैव हर्ड अबाउट इट इन यूग्लीना। यूग्लीना में जो है वो फ्लैजेला मौजूद होता है। इसके अलावा आपने स्पॉन्जेस को पढ़ा है, स्पॉन्जेस में भी क्वेनोफ्लैजेलेट्स हैं जो कि जिनमें फ्लैजेला मौजूद होता है। इसके अलावा और बहुत से सेल्स हैं जिनमें फ्लैजेला मौजूद होता है, जिनको मूवमेंट में जो है वो हेल्प करता है। और लास्टली मसल सेल्स, जैसे कि हम में भी मौजूद हैं, ये मसल सेल इनवर्टिब्रेट में भी मौजूद हैं, और ये अलाउ करते हैं इनकी मूवमेंट को। तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, और हम इसके अलावा जो स्केलेटन है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि स्केलेटन जो है वो बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब स्केलेटन जो है वो अगर हम इनवर्टिब्रेट में देखें, तो वो प्रिंसिपली तीन तरह का होता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, या फिर एक्सोस्केलेटन है विच प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, एंड द एंडोस्केलेटन विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। तो ये तीनों स्केलेटन जो हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो हमारा आज का बेसिक जो कंसर्न है वो यही है कि हम स्केलेटल सिस्टम की स्टडी करें इन इनवर्टिब्रेट, जिसमें सबसे पहले आता है, और सिंपलेस्ट, वन ऑफ द सिंपलेस्ट काइंड इज़ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इज़ लाइक अ बैलून जिसमें वाटर भरा हुआ है। उसमें एक ही सिंगल ओपनिंग होती है, वाटर भरा हुआ है, और वाटर के गिर जो है वो एक टफ शीट सी होती है जो कि वाटर की करंट को बियर कर सकती है, यानी वो इसको जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो देती है। एग्जैक्टली यू माइट हैव हर्ड अबाउट द निडेरियंस, जिसमें हाइड्रा आ जाता है, बहुत दफ़ा इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। निडेरियंस में सैक लाइक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ होता है। इसी तरह से स्पॉन्जेस में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है, और उसमें वाटर भरा हुआ होता है, और उसके इर्द गिर्द जो है वो डबल लेयर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक हैं तो डबल लेयर स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि इनको मूवमेंट में हेल्प करता है। ना सिर्फ ये बल्कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के और बहुत से एडिशनल फंक्शन हैं जो कि इनमें मौजूद होते हैं। बस एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म भी गैस्ट्रोवेस्कुलर स्केलेटन को ही यूज़ करते हैं फॉर द बॉडी मूवमेंट, और ये ज़्यादातर, जैसे कि आपने किसी वर्म को कभी चलते देखा हो, जैसे अर्थ वर्म है, उसको कभी चलते देखा हो, तो आपको ऐसा फील होगा, या आप अगर नहीं देखा तो यू मस्ट सर्च इट, कि अर्थ वर्म जो है वो कैसे मूव करता है। वहाँ वो अपने उसकी बॉडी इसके अंदर भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, और ये, लेकिन ये वो इसका जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है वो बाहर का वाटर नहीं होता निडेरियंस की तरह, बल्कि इसका अपना बॉडी फ्लूड होता है, सिलोमिक फ्लूड, जो कि ये एज एन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन यूज़ करते हैं। अपनी अपनी बॉडी को ऊपर आगे की तरफ एलोंगेट करता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, आगे मूव करता है, फिर ये बाकी का जो है अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, वह फॉलो करता है। तो इस तरह से ये अपने हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की बेस पर ही जो है वो मूवमेंट शो करता है।
तो इस तरह से ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है ये पाया जाता है। इसके अलावा एक्सोस्केलेटन जो है, एक्सोस्केलेटन का नाम जहन में आते ही हमारे पास आर्थ्रोपोड का जो है वो नाम आ जाता है, लेकिन इसमें क्रस्टेशंस भी आते हैं और बहुत से जो हैं। ऑल्दो जो एक्सोस्केलेटन है यानी वो स्केलेटन जो बॉडी के बाहर मौजूद है वो नॉन लिविंग होता है, और नॉन लिविंग इसलिए होता है क्योंकि उसमें पर्टिकुलर जो सेल्स हैं वो इतने ज़्यादा कैरेटिनाइज होते हैं, इतने हार्ड होते हैं कि वो उनकी डेथ हो चुकी होती है, इसलिए ऑर्गेनिज़म्स को अपना एक्सोस्केलेटन रिमूव करना पड़ता है ग्रोथ के लिए। आप जानते हैं इसे मोल्टिंग का नाम दिया जाता है। अब क्या है कि ये जो एक्सोस्केलेटन है इसमें ये ना सिर्फ सपोर्ट बॉडी को प्रोवाइड करता है बल्कि मूवमेंट में भी हेल्प करता है। कहीं पर तो एक्सोस्केलेटन मूवमेंट रिटार्ड कर रहा होता है, जैसे ज़्यादातर क्रस्टेशन में जो एक्सोस्केलेटन मौजूद है वो बहुत हार्ड है, टफ़ है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना है और ऑर्गेनिज्म को उसका मास बियर करना पड़ता है, जबकि बाज़ जगह ये एक्सोस्केलेटन बहुत थिन है, फ्लेक्सिबल है। स्पेशली इंसेक्ट्स में आप देखें कि इनका एक्सोस्केलेटन हाईली मोडिफाइड है और इवन एट द पॉइंट ऑफ जॉइंट ये बहुत थिन है, और जहाँ विंग्स हैं वहाँ पर भी ये बहुत थिन है ताकि ये अलाउ कर सके मूवमेंट को। आपने देखा होगा कि कुछ जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो जंप कर सकते हैं, इनमें ये ऐसे इनवर्टिब्रेट जो कि जंप करते हैं उनकी एक खास खासियत होती है, और वो करैक्टर क्या है कि उनकी बॉडी में एक रेजिलिएंट प्रोटीन मौजूद होती है, खास तरह की जंपिंग प्रोटीन है जिसे एनिमल रबर का नाम दिया जाता है। इसमें ज़्यादातर बीटल्स या फ्लीज आ जाती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और फिर आपको आप जब उसका प्रेशर रिमूव करते हैं तो स्प्रिंग एकदम से फुदक कर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही इनके ये जब नीचे की तरफ अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके रेजिलिएंट प्रोटीन एनर्जी स्टोर करती है, और बाद में जब ये उसको प्रेशर रिमूव करते हैं तो ये वही प्रोटीन जस्ट लाइक द स्प्रिंग जो है वो वापस आती है, अपनी फॉर्म अटेन करती है और वो जो है फ्लीज हैं वो जंप करती हैं। अबाउट द एंडोस्केलेटन, तो एंडोस्केलेटन जो है वो भी बहुत ऑल्दो ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश जो है वो इनवर्टिब्रेट की खासियत नहीं है, वर्टिब्रेट में ही एंडोस्केलेटन पाया जाता है, लेकिन कुछ इनवर्टिब्रेट में भी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। ऑल्दो ये एक्सोस्केलेटन बहुत ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है, जैसे कि ज़्यादातर वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एंडोस्केलेटन पाया जाता है उनमें कुछ स्पॉन्जेस आ जाती हैं। ये स्पॉन्जेस जो हैं उनकी बॉडी के इर्द गिर्द जस्ट कुछ मिनरल्स पिक्यूल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर एम्बेडेड होते हैं। ये फाइबर्स जो हैं वो एंडोस्केलेटन का काम करते हैं जो कि इनके टफनेस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो है इकाइनोडर्म्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि इसमें इनमें भी छोटी छोटी सी कैल्केरियस प्लेट्स होती हैं जिनको ऑसिकल कहा जाता है, और ये ऑसिकल जो हैं वो इनका एंडोस्केलेटन फॉर्मुलेट करती हैं। ना सिर्फ ये कि ये जो इनका एंडोस्केलेटन है ये इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है बल्कि मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ जो एंडोस्केलेटन है उसने और बहुत से एडिशनल काम ले लिए हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में भी एंडोस्केलेटन जो है वो उस हमारी बोन्स उनमें बोन मैरो मौजूद होता है, ये बोन मैरो जो है वो ब्लड सेल्स बनाते हैं। इसके अलावा हमारी बोन जो है वो स्टोर करती है कैल्शियम को भी, फॉस्फेट को भी, और जो ज़रूरत के वक्त रिलीज़ की जाती है। इनवर्टिब्रेट में जो है क्योंकि हमारी बोन टफ होती हैं बिकॉज ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, लेकिन इनवर्टिब्रेट जो हैं इनकी बोन टफ होती हैं ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट्स, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट्स मौजूद होता है, इनमें भी जो है वो मिनरलाइज्ड और टफ टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। बहुत से इनवर्टिब्रेट जो हैं उनमें कैसी अरेंजमेंट होती है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो क्रिस्टल्स होती हैं वो कोलेजन में एम्बेडेड होती हैं, और ये जो हैं वो मिलकर जो है वो एक टफ़ मिनरलाइज्ड अपीरेंस जो है वो देते हैं। कार्टिलेज जो है वो एक सपोर्टिव टिश्यू है, जैसे कि आप कार्टिलेज को अगर देखना चाहें तो हमारे ईयर की जो बोन है ये बहुत सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, तो ये कार्टिलेज कहलाती है, लेकिन हमारे अगर नोज़ की बोन हम देखें बाकी बोन्स तो हमारी जानी पहचानी है वो टफ़ होती हैं। तो यहाँ पर कार्टिलेज जो है उसमें वो भी बहुत से इनवर्टिब्रेट में जो पाई जाती है, जैसे कि गैस्ट्रोपोड्स हैं या इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैं, इसी तरह कुछ फिशेस का हम पढ़ेंगे कि एंडोस्केलेटन ही कार्टिलेज से मिलके बना होता है, जैसे कि जो हैग फिशेस या लैम्प्रेज वगैरह हैं। तो कार्टिलेज जो है वो बोन की नस्बत काफ़ी लाइट है।
और जिसकी वजह से ये बायोंसी प्रोवाइड करती है वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को। जहाँ तक वर्टिब्रेट के स्केलेटल सिस्टम का ताल्लुक है, तो उसके लिए दो चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक तो वही कार्टिलेज जिसकी स्टोरी हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा है बोन या ऑसियस टिश्यू। बोन जो है वो एक खास तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मसल को अटैच करने में मदद देता है। ना सिर्फ ये कि ये मसल को अटैच करता है अपने साथ, बल्कि ये जो है उसकी मसल्स की मूवमेंट में भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमारी बॉडी को सपोर्ट जो है वो ये प्रोवाइड करता है। बोन के सेल्स बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिपॉजिट होता है। बोन सेल्स को ऑसियस का नाम दिया जाता है। यहाँ पर ये अगर आप एक बोन को देखें जिसका ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, तो आप देख सकते हैं कि बोन के अंदर नर्व है, ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ कॉम्पैक्ट बोन है। इसको ज़रा मज़ीद हम थोड़ा सा पोर्शन उतार के देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वाइट कलर की जो दिखाई गई है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर जो है वो कॉम्पैक्ट बोन है, टफ है, और इसके बिल्कुल वो पोर्शन जो के और वो टिश्यू जो कि इसके साथ कनेक्टेड है, जो वेसल्स के करीब है, वो ज़रा स्पॉन्जी नेचर का है, वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है। यही जो स्पॉन्जी बोन है, इनमें ही ब्लड सेल्स जो हैं वो बनते हैं। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें आप, ये जो इसकी ऑस्टियानिक कैनाल है जिसके अंदर ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, तो ये ब्लड सेल्स हैं जिनको ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। दीज आर दी ऑस्टियोसाइट्स, और ये ऑस्टियोसाइट्स जो हैं ये खास चैम्बर में मौजूद होते हैं, स्पेस में मौजूद होते हैं, जिसे लैक्यूना कहा जाता है। और ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू दी कैनल्स। ये कैनल्स जो हैं वो कैनालिक्यूलस का नाम इन्हें दिया जाता है। ये जो है ये बोन सेल्स की अरेंजमेंट होती है इनसाइड दी बोन, जिन्हें ऑस्टियोसाइट्स का नाम दिया जाता है। तो आप लोग इसको यहाँ तक तैयार कर लें, कल जो है वो हम हम वर्टिब्रेट के एंडोस्केलेटन की बात करेंगे, और हम देखेंगे कि उनमें क्या वैरायटी पाई जाती है।